नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं खेती की ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रोस्पेल फंगिसाइड के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या खास दिया गया है और ये हमारे पौधे पर कैसे कार्य करता है और इसको हम किन किन फसलों में छिड़काव कर सकते हैं और ये फंगिसाइड किन किन बीमारियों को पूरी तरह नियंत्रित करता है और इसके डोज, प्राइस और रिजल्ट टाइम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे ऐसी कृषि संबंधित नई नई जानकारी पाने के लिए। तो किसान भाइयों, प्रोस्पेल एक बहुउद्देश्य फंगिसाइड है। प्रोस्पेल फंगिसाइड में टेक्निकल है मैनकोजेब 40% प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन 7% OS। ये फंगिसाइड ऑयली सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन में आता है, मतलब इस फंगिसाइड में जो केमिकल होता है वो एक ऑयल के रूप में पैक्ड होता है। जब हम इसको हमारे फसल पर छिड़कते हैं तो ये पत्तों के ऊपर चिपक जाता है और एक ऑयली लेयर बना देता है। और ऑयली सस्पेंशन फॉर्मुलेशन वाली जितनी दवाइयाँ आती हैं वो सब बारिश में कम धुलती हैं। प्रोस्पेल में स्पर्श और प्रणालीगत दोनों तरीके से कार्य करने की क्षमता है और ये फंगिसाइड कुछ मात्रा में ट्रांसलामिनार प्रक्रिया से भी कार्य करता है। यहाँ पर ट्रांसलामिनार का मतलब यह है कि जब हम इस फंगिसाइड का छिड़काव हमारे फसल पर करते हैं तो ये फंगिसाइड पत्तों के ऊपरी हिस्से को स्पर्श करता है और सीधा नीचे तक चला जाता है, मतलब पत्तों के नीचे हिस्से तक चला जाता है और पत्तों के नीचे लगे हुए जो फंगस होते हैं उनको मारने में आसानी होती है। प्रोस्पेल में बेहद अच्छे निवारक और उपचारात्मक गुण हैं जो इसको प्रयोग में व्यापकता प्रदान करती हैं। प्रोस्पेल फंगिसाइड में जो टेक्निकल है मैनकोजेब 40%, यह है डाइथियोकार्बामेट समूह का बोर्ड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है जो फंगस में एंजाइम की मात्रा को घटाता है जिससे फंगस की मृत्यु हो जाती है। और मैनकोजेब कुछ मात्रा में हमारे फसल को जिंक और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व भी प्रदान करता है। और इसमें जो दूसरा टेक्निकल है एजोक्सिस्ट्रोबिन 7%, यह है स्ट्रोबिलुरिन समूह का एक प्रणालीगत फंगिसाइड है जो कि कई सारे बीमारियों का प्रभावी नियंत्रण करता है। प्रोस्पेल को हम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके रेनफास्टनेस के बारे में तो प्रोस्पेल फंगिसाइड में रेनफास्टनेस बहुत ही बेहतर है, मतलब प्रोस्पेल फंगिसाइड छिड़काव के एक घंटे के बाद अगर बारिश होती है तब भी हमको इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। प्रोस्पेल फंगिसाइड में फाइटोटोनिक प्रभाव होता है जिससे हमारा फसल हरा भरा दिखता है और उपज में भी सुधार आता है। अगर बात करें इसके फसल छिड़काव के बारे में तो प्रोस्पेल फंगिसाइड को हम बैंगन, अंगूर, मिर्च, टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, करेला, पलवर के अलावा अन्य अन्य सब्जी वर्गीय फसल और अनाज वर्गीय फसलों में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके बीमारी नियंत्रण के बारे में तो प्रोस्पेल फंगिसाइड ब्राउन रॉस्ट, ब्लैक रॉस्ट, यर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, फंगल लिप स्पॉट, फंगल फ्रूट स्पॉट, टिक्का लिप स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, फ्रूट रॉट, सीगाटो का लिप स्पॉट और ब्लाइट बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित करता है। अगर बात करें इसके डोज के बारे में तो प्रोस्पेल फंगिसाइड को सब्जी वर्गीय फसलों में 60 ml प्रति 20 L पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 200 L पानी में 600 ml मिलाकर छिड़काव करें। और अनाज वर्गीय फसलों में 30 से 40 ml प्रति 20 L पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 200 L पानी में 300 से 400 ml मिलाकर छिड़काव करें। इससे आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आता है। और अगर बात करें इसके रिजल्ट टाइम के बारे में तो प्रोस्पेल फंगिसाइड का असर हमारे फसलों पर 20 से 25 दिन तक देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में तो प्रोस्पेल फंगिसाइड का जो 500 ml का पैकिंग है वो आपको 800 से 900 रुपये में आ जाता है। अगर हम बात करें इसके पैकिंग के बारे में तो प्रोस्पेल फंगिसाइड 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 L के पैक में मार्केट में आता है। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।